अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहजाद है, मैं सर इंतजाम का स्टूडेंट हूँ और हमने शुरू से सर इंतजाम से ही पढ़ा है। सर इंतजाम से हमें बहुत सपोर्ट मिली है, कोई भी एरर हो कोई भी मसला हो सर हमें बहुत हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं। और अभी मैंने इंटर पास किया है और मैं उसके बाद सिलानी में ही पढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरा शौक कोडिंग का क्लास 8-9 से मुझे बहुत शौक था कोडिंग का। मुझे पता चल गया था कि ये जो एप्स वगैरह ये कोड के जरिए बन सकते हैं, पूरी पूरी वेबसाइट्स और पूरा सिस्टम कोड के जरिए बन सकता है, तो मुझे शुरू से ही कोडिंग में, बैकएंड में और हर चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट था। अच्छा, एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि रिएक्ट हमने शुरू की है तो मेरी जो एप्लीकेशन थी उनको मैं रिएक्ट में कन्वर्ट कर रहा था, जो पहले वाली थी, जो कि बहुत बड़ी गलती है। तो इसलिए मेरी बहुत सी एप्लीकेशन, वेदर ऐप वगैरह, वो नहीं बने हुए क्योंकि वो कन्वर्ट में पूरी कन्वर्ट हुई नहीं तो ख़राब हो गई। तो आप भी अगर करना चाहें तो पुरानी ऐप का क्लोन बना के उसको फिर कन्वर्ट करें ताकि पुराना ऐप आपका हो। अच्छा, उसके अलावा मैंने ये टू डू ऐप बनाई है, लोकल स्टोरेज बेस्ड टू डू ऐप है। इसका ये फ़ायदा है कि आपको कभी भी अगर कोई चीज़ अपनी सेव करनी है, आप कोई भी चीज़, जैसे कहा जाता है कि आपका दिमाग आइडिया लाने के लिए, उनको स्टोर करने के लिए नहीं है, तो आप तमाम अपने आइडिया यहाँ पे स्टोर करते हैं ताकि आपको कोई भी काम हो तो आप बाद में कर सकें। अच्छा, ये ऐप एक ही दिन में कल बनाई है मैंने। ये ऐप रिस्पॉन्सिव भी है, अगर आप इसको मोबाइल में यूज़ करेंगे, एक मिनट में ज़रा दो तीन फोटो डाल के दिखा देता हूँ आपको। अच्छा, तो ये ऐप रिस्पॉन्सिव भी है, उसके अलावा ये ऐप में डार्क मोड भी इम्प्लीमेंट हुआ है, और ये थैंक यू मैं इतना कहना चाहूँगा। और मैं एक दफ़ा सर इंतजाम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो हमें इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं।